सत श्री अकाल जी सारे स्टडी एट इन्फो विच तुहाडा स्वागत है। जेडे जेडे स्टूडेंट्स जेल वार्डन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सिलेबस देख ही लिया होना है। तुहाडे सिलेबस में सब तो ज़्यादा जेहड़ा कंप्यूटर का पोर्शन आना है 25 नंबर का कंप्यूटर आना है। अज तो असीं तुहाडे लिए कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है। कंप्यूटर के सारे टॉपिक वाइज तुहानू हरेक MCQ करवाया जाएगा। असी दावे नाल कह सकते हैं कि 25 विचों 20 क्वेश्चन जेहड़े तुहानू साडी वीडियोज़ विचों देखण नू मिलणगे। डेली टॉपिक वाइज तुहानू वीडियो देखण नू मिल जाया करेगी, इसलिए चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन दबा लियो। इस तो अलावा जेल वार्डन के एग्जाम के लिए मैथ के GK दियाँ अलग तो प्लेलिस्टा बनिया हुई हैं चैनल उत्ते, उन्होंने लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के लास्ट में भी उन्होंने लिंक मिल जाएगा या फिर उपर आई बटन उत्ते भी उन्होंने लिंक मिल जाएगा, उत्थों तुसीं देख के अपना जिहड़ा मैथ ते रीजनिंग अते GK की तैयारी कर सकते। चलो हुण अज आपां कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अज की वीडियो के आपां कंप्यूटर के बेसिक कुछ क्वेश्चन कवर करांगे, टॉप 10 MCQ क्वेश्चन। आज की वीडियो जो साडा फर्स्ट क्वेश्चन हैगा गा वो है कंप्यूटर इज एन बैटरी। कंप्यूटर बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जा ऑल ऑफ दिस, दोनों ऑप्शन है जा नन ऑफ दिस, इन्हां दे विचों केड़ी ऑप्शन करैक्ट है। इन्हां दे विचों सैकेंड ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, विच इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कि कंप्यूटर की हैगा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैगी है, ठीक है। चलो आप सैकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी सीगा। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। यदा पंजाबी दे विच की मीनिंग हैगा भी जिहड़ा वर्ड कंप्यूटर हैगा गा तो वह कि लैंग्वेज के लिता गया है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज के इंग्लिश, हिंदी, जा लैटिन, जा स्पैनिश, ये पांच भाषावां जिहदे विचों आपां नूं दसना हैगा भी वर्ड जिहड़ा कंप्यूटर हैगा वह किहड़ी लैंग्वेज दे विचों लिता गया हैगा। वह लिता गया लैटिन भाषा दे विचों, ठीक है। कंप्यूटर जो वर्ड हैगा वह लैटिन भाषा दे विचों ड्राइव्ड होया लिता गया हैगा। थर्ड क्वेश्चन ते मूव करते हैं। IC इज मेड अप ऑफ, IC की होंगे, IC की फुल फॉर्म होंगी है इंटीग्रेटिड सर्किट, इंटीग्रेटिड सर्किट, ठीक है। ये कि बनया होंगे, इन्होंने ए पूछा इंटीग्रेटिड सर्किट किस तो बनया होंगे गा। ट्रांजिस्टर्स तो बनया होंगे, माइक्रो प्रोसैसर तो बनया होंगे, वैक्यूम ट्यूब्स तो, या फर्स्ट एंड सैकेंड दोनों, या नन ऑफ दिस, ठीक है। ये पांच ऑप्शन है। यह जो IC होंगे वह ट्रांजिस्टर्स तो मिलकर बनया होंगे, ट्रांजिस्टर्स तो, ठीक है। फोर्थ जरा अपने को क्वेश्चन हैगा गा स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, जी फर्स्ट जनरेशन के अपने को कंप्यूटर आए थे उन्होंने स्पीड कितनी सी, किदे विच आपां मैजर करते सी, नैनो सैकेंड्स दे विच मैजर करते सी, मिली सैकेंड्स च, नैनो मिली दोवां च, जां माइक्रो च, जां नन ऑफ दिस, ठीक है। इहदे विचों फोर्थ जिहड़ी अपनी ऑप्शन हैगी है माइक्रो सैकेंड दे विच आपां मैजर करते सीगे फर्स्ट जनरेशन दे कंप्यूटर्स दी स्पीड, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन दे मूव करते हैं। टाइम शेयरिंग बिकम्स पॉसिबल इन डैश जनरेशन कंप्यूटर्स, जिहड़ा भी टाइम शेयर करता है कंप्यूटर वह किहड़ी जनरेशन दे विच जाके संभव होया सीगा, यह पूछा। नाल नाल मैं तुहानूं इहदा पंजाबी च भी मीनिंग दसी जांदा हैगा, ठीक है। कोई गल नहीं, जे इंग्लिश दे विच लिखे होया नाल नाल पंजाबी च भी बोली जांदा हैगा। टाइम शेयरिंग, टाइम नो शेयर करना बिकम्स पॉसिबल इन डैश जनरेशन कंप्यूटर, भी केड़ी जनरेशन दे कंप्यूटर्स दे विच टाइम नो शेयर करना पॉसिबल होया सी, फर्स्ट, सैकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जा नन ऑफ दिस, जा इन्ना किसे जनरेशन दे विचों नहीं, ये होया सी स्टार्ट सैकेंड जनरेशन दे कंप्यूटर्स दे विच, ठीक है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन ते मूव करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म डैश, कंप्यूटर इन्हां दे विच्चों की नहीं परफॉर्म कर सकता, इनपुट, इनपुट हो सकती है या नहीं दसो, ये आउटपुट, थिंकिंग, प्रोसैसिंग, स्टोरेज। हुण देखो कंप्यूटर दे विच इनपुट भी हो सकती है, आउटपुट भी हो सकती है, प्रोसैस करता ही हैगा कंप्यूटर, तो स्टोरेज भी होंदी है कंप्यूटर दे विच। कल्ला की नहीं कर सकता कंप्यूटर, थिंकिंग नहीं कर सकता, कोई चीज़ नूं सोच नहीं सकता है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द, थर्ड ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, ठीक है। अगे सैवंथ क्वेश्चन से मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्हों के विचों के
कंप्यूटर का फादर है या पितामा बोलिया जाता जिन्हों आप जिन्हें कंप्यूटर की खोज की सी। ठीक है, फर्स्ट अपने को डेनिस रिट्से, सैकेंड है नेपियर, थर्ड है चार्लिस बेब्स, फोर्थ है एलन टरिंग। ये चो थर्ड ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, चार्लिस बेब्स। सो चार्लिस बेब्स दे जो फादर ऑफ कंप्यूटर वो हैगा चार्लिस बेब्स इज द थर्ड ऑप्शन जी करैक्ट आंसर है। चलो एट्थ क्वेश्चन ते मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जिहड़ा अपने कोले सैवंथ क्वेश्चन सीगा उस च उन्होंने जस्ट कल्ला पूछा सी भी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हैगा। ठीक है, इहदे विच पूछा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन हैगा। एक जिहड़े पहला जनरेशन दे सी जिवें फर्स्ट जनरेशन वगैरह दे हो गए, जिहड़े हुण मॉडर्न चल रहे हैगे वो अलग हैगे हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दा इन्हां दे विच बहुत फर्क हैगा। चलो देखते हैं, फर्स्ट जिहड़ी ऑप्शन है डेनिस रिट्से, नेपियर, चार्लिस बेब्स। जिहड़ा चार्लिस बेब्स सीगा वो सीगा जिहड़ा जिन्हें मतलब खोज की सीगी जिहड़ा पहला वाले कंप्यूटर्स का फादर सीगा। ठीक है, एलन टरिंग, जो इस एलन टरिंग हैगा गा वह मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता जिसनों। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर ऑफ एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलो नाइनथ क्वेश्चन से मूव करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डैश लैंग्वेज, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से लैंग्वेज वरती जाती सी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, असैम्बली लैंग्वेज, पहला दूजा दोवें, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जा नन ऑफ दिस। इन्हां दे विच्चों मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर दे विच्च वरती जाती सी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। अगे टेंथ क्वेश्चन से मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स रैफर द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, जिहड़े नीचे दिते हुए उन्होंने विच्चों केड़ा सब तो तेज, सब तो वड्डा ते सब तो महंगा कंप्यूटर हैगा गा। फर्स्ट हैगा गा नोटबुक्स, परसनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, जां सुपर कंप्यूटर्स, जां PDAS। ठीक है, इन्हां पंजां दे विच्चों केड़ा सब तो तेज, वड्डा ते ज़्यादा जिहड़ा एक्सपेंसिव है, जिहड़ा ज़्यादा महंगा आउंदा हैगा। ठीक है, ज़्यादा जिस ते पैसे लगते हैगे आ, उह केड़ा कंप्यूटर हैगा, सुपर कंप्यूटर, जिहड़ा सब तो फास्ट है, सब तो वड्डा ते सब तो एक्सपेंसिव भी हैगा गा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर इज़ द करैक्ट आंसर, जो कि फोर्थ ऑप्शन हैगी है इसके। ठीक है, सो इस दे नाल अज दी वीडियो दा इह लास्ट क्वेश्चन सीगा, तां इस नाल आपां अज दी वीडियो समाप्त हुंदी है। इह वीडियो तुहानूं किस तरह दी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना, एंड जे तुहानूं वीडियो हैल्पफुल लगी होवे तां इह प्लीज़ वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर करियो, एंड जिहड़े विद्यार्थियों ने हजे भी इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तां प्लीज़ हुणे ही चैनल नूं सबसक्राइब करो।